वैसे तो सोचने वाली बात ये भी है। नोबिता, तुमने बिल्कुल सही कहा। शिज़ुका, आज का होमवर्क काफी मुश्किल लग रहा है, मैं तो नहीं करने वाला हूँ। क्या तुम करोगी? करना तो नहीं चाहती। शिज़ुका, क्यों ना हम दोनों साथ होमवर्क करें? हम दोनों एक दूसरे को सभी चीजें समझा सकते हैं जो समझ में ना आए। हाँ, मगर आज का होमवर्क काफी मुश्किल है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे समझ नहीं आ सकती है नोबिता। हाँ, तुम्हें नहीं आती? अरे शिज़ुका, तुम? अरे देखी सुगी, तुम यहाँ? तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। कोई प्रॉब्लम है क्या? वो बात ऐसी है कि आज का होमवर्क थोड़ा... कौन सा मैथ्स का होमवर्क? वो बात ऐसी है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे समझ नहीं आ रही हैं। क्या तुम मेरी मदद करोगे प्लीज? जरूर, हम साथ मिलकर होमवर्क कर सकते हैं, पर अभी मुझे सॉकर प्रैक्टिस के लिए जाना है, उसके बाद हम कर लेंगे, ठीक है? हाँ, मैं इंतजार करूंगी डेकी सुगी। तो शाम को मेरे घर आ जाना, ओके? ठीक है, फिर शाम को मिलेंगे। अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करना। बाय 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 शिज़ुका। ये भी भला कोई बात हुई शिज़ुका की डोरेमोन? ये दुनिया बहुत गलत है, समझे तुम? अरे बात क्या है नोबिता, फिर से कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? बताओ। तुम जो यहाँ बैठे हो, पूछने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अरे ये आखिर तुम क्या कह रहे हो? डोरेमोन ये सिर्फ एक एग्जांपल था। जैसे कि? जैसे कि क्या नोबिता? जैसे कि डोरेमोन एक लड़का है जो बहुत समझदार है और बहुत ही हैंडसम है, उससे कोई ज्यादा समझदार नहीं है। तुम डेकी सुगी की बात कर रहे हो, है ना? और दूसरी तरफ एक दूसरा लड़का है जो स्मार्ट नहीं है, ज्यादा सुंदर नहीं दिखता और बहुत क्लमजी भी है। अब समझा, वो तो तुम हो नोबिता। तुम्हें गेस करने के लिए किसने कहा था? मेरी बात सुनो डोरेमोन, मेरे कहने का मतलब है कि हम दोनों इंसान ही है, तो फिर हम में इतना फर्क क्यों है डोरेमोन? ओह, तो ये बात है। मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ डोरेमोन। मैं ये नहीं कहता कि मुझे परफेक्ट होना चाहिए, मगर मुझ में कम से कम एक अच्छी बात तो होनी चाहिए डोरेमोन। हाँ हाँ, मैं समझ गया, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम एक लूजर हो और तुम कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते। तो फिर तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? The dominant trait selector. डोरेमोन, इसका क्या मतलब है? ये देखो, इसके ऊपर लिखा है PLIQ। P का मतलब है फिजिकल ताकत का इंडेक्स, L का मतलब है लुक का इंडेक्स और IQ का मतलब है समझदारी का इंडेक्स। समझ गए तुम? हाँ। इन तीनों में से जो भी बटन तुम ऊपर करोगे वो गुण तुम में आ जाएगा, समझे? बढ़िया, मुझे दे दो, मुझे ट्राई करने दो डोरेमोन। वैसे एक बात याद रखना, तुम तीनों चीजें एक साथ बढ़ा नहीं सकते हो। हाँ? पर मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ, तुम्हें तीनों चीजें एक साथ चाहिए। क्यों, मैंने सही कहा ना? लेकिन एक और बात याद रखना, अगर तुम एक को बढ़ा दोगे तो बाकी दोनों अपने आप कम हो जाएंगे। जैसे कि ये समझदारी बढ़ाने के लिए IQ को ऊपर करना होगा, लेकिन उसी के साथ साथ फिजिकल ताकत और लुक्स कम हो जाएंगे। तुम समझो डोरेमोन, मैं ज्यादा अगली नहीं हो सकता। फिजिकल ताकत घटा दो तो लुक्स वापस आ जाती है, लेकिन IQ वैसे का वैसा ही रहता है। देखो। सुनो नोबिता, इसे अपनी बॉडी के पास ही रखना। हाँ, लेकिन डोरेमोन, मुझे कमजोरी क्यों लग रही है? क्योंकि फिजिकल ताकत कम हो गई है, लेकिन IQ ज्यादा होने की वजह से तुम अपना होमवर्क कर सकते हो। मेरा होमवर्क? अरे वाह डोरेमोन, मैं सभी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। वाह डोरेमोन, मैंने सारा काम कर लिया, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मैंने सारी प्रॉब्लम्स पूरी कर ली। अगर ध्यान से इस्तेमाल करो तो ये गैजेट बहुत काम का है। डोरेमोन, अब डेकी सुगी की जरूरत किसको है? मैं प्यारी शिज़ुका को सिखाऊंगा कि होमवर्क कैसे किया जाता है। वो तो कुछ भी नहीं था। मैं बाहर जा रहा हूँ। एक मिनट रुको, मुझे अब IQ की जरूरत नहीं है, मैं अब हैंडसम बनना चाहता हूँ। क्यों, क्या कहते हो डोरेमोन? IQ को वापस उसी जगह पर और लुक्स को बढ़ा देना चाहिए। डोरेमोन शीशा दो। वैसे मैं कुछ खास बदला नहीं डोरेमोन। मुझे लगता है नोबिता, वैसे भी तुम्हारा ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए ज्यादा लालची मत बनो। अच्छा, तो अब कुछ नहीं किया जा सकता, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। उम्मीद है वो गैजेट का सही तरीके से इस्तेमाल करेगा।
मैं थोड़ी देर ही तेज चला और मेरी सांस फूल गई। शायद ऐसा मेरी फिजिकल ताकत कम होने की वजह से हो रहा है। क्या मैं इस तरह शिजुका के घर तक पहुंच पाऊंगा? मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है। हाँ, ये तो शिजुका है। रुको शिजुका। माफ करना, कौन हो तुम? हाँ, क्या कहा, मैं कौन हूँ? ये मैं हूँ, गौर से देखो नोबिता। क्या तुम मजाक कर रहे हो? नोबिता तो ऐसा नहीं दिखता। वो नहीं दिखता तो वो कैसा दिखता है? अब मैं कैसे बताऊँ तुम्हें? उसका फेस काफी कॉमिकल है। क्या कहा तुमने, कॉमिकल फेस? हाँ, मुझे अभी सामान भी खरीदना है, बाय। ओ नहीं, रुको शिजुका, मुझे समझाने तो दो, रुको। अरे ये क्या हुआ, मुझ में तो कमजोरी आ गई। ये क्या मुसीबत है, मुझे जल्दी भागना चाहिए, मैं भाग नहीं सकता, मुझ में ताकत नहीं है, जल्दी। क्या तुम ठीक हो? लाओ अपना हाथ दे दो। जैको, क्या तुमने ही उस डॉग को भगाया? हाँ, सही कहा। शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। इसमें कोई खास बात नहीं, तुम्हें शायद मालूम नहीं पर मैं ऐसे 10 डॉग्स को एक साथ मार सकती हूँ। माफ करना। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मगर जैको, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, समझने की कोशिश करो। तो कोई बात नहीं, हम एक दूसरे को लेटर्स लिखेंगे। मेरे पास मत आओ, मुझसे दूर रहो, मेरे पास मना करने का पूरा हक है। वो तो बहुत बुरा था, उसने मेरी इंसल्ट की। क्या नोबिता? इसीलिए वो मुझे जाना पहचाना लग रहा था। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। कैसी अजीब लड़की थी, ज्यादा सुंदर लगने में भी मेरा कुछ खास नहीं हुआ। मैं अपनी फिजिकल ताकत वापस लाता हूँ। अरे ये तो शिजुका है। शिजुका रुको। अरे नोबिता। अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई, मैंने अपना सारा होमवर्क पूरा कर लिया है। शिजुका, मैं तुम्हें भी सिखा सकता हूँ, अब तुम्हें डेकिसुगी की मदद मांगने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? मजाक कर रहे हो? नहीं, ये सच है। प्रूफ करने के लिए मैं अपनी नोटबुक भी साथ लेकर आया हूँ, देखो। मैंने उसे कहीं गिरा दिया शिजुका, ये सच है। मैंने सच में सारी मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया था, मानो शिजुका मेरी बात। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं चलती हूँ। मैं सच बोल रहा हूँ। अरे वो कहाँ गिर गई, मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा। क्या कहा तुमने, नोबिता ने भेष बदल कर तुम्हारे साथ बदमाशी करने की कोशिश की है? हाँ भैया, वो बहुत बुरा है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा भैया। अरे नहीं जैको, नोबिता, ये तुमने अच्छा नहीं किया, याद रखना, अब तुम पिटोगे। अरे जियान, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? भला तुम हमसे क्या करवाना चाहते हो? चारों तरफ फैल जाओ और जाके नोबिता को ढूंढ कर लाओ, समझे? समझ गए ना? चलो जाओ फिर। मैं फंस गया हूँ, मैंने उसे कहाँ पर गिरा दिया? आखिर मुझे ही ये सब क्यों करना पड़ता है? मैं अपने दोस्त की छोटी बहन के लिए ये सब क्यों कर रहा हूँ? मुझे जियान पर बहुत गुस्सा आ रहा है, आखिर वो ये सब मुझसे करवा क्यों रहा है? मैं भला उसके लिए ये सब और कब तक करता रहूँगा? हाँ सुनियो, क्या रास्ते में तुम्हें कहीं मेरी नोटबुक मिली? सुनियो, बताना जरा मुझे। मुझे तुम्हारी नोटबुक के बारे में कुछ नहीं पता, और तुम्हें पता है जियान तुम पर कितना गुस्सा हो रहा है? हाँ, मुझे मिल गया, ये मुझे मिल गया। नोबिता यहाँ पर है, जरा जल्दी आओ। क्या हो रहा है? कोई सुन रहा है? नोबिता यहाँ पर है, जल्दी आओ।
अरे ये रहा नोबिता, पकड़ो इसे। मैंने क्या किया? नोबिता अगर हमने तुम्हें नहीं पकड़ा तो जियान हमें छोड़ेगा नहीं, समझे? रुको। हे नोबिता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को तंग करने की? ज्यादा नाटक मत करो, ये रहा सबूत, देखो मेरे हाथ में है। मेरी नोटबुक, वो गलत फहमी हो गई थी, मैं जल्दी में था और ये गिर गई, पता है तुम्हें? चुप हो जाओ, मेरी छोटी बहन को सताकर कोई खुश नहीं रह सकता। बाकी सारी चीजों को जाने दो, मुझे फिजिकल ताकत चाहिए। ये तो बहुत ताकतवर हो गया है, बचाओ। नोबिता, डोरेमोन डिनर तैयार है, पापा आज देर से आएंगे, तुम दोनों खाना खा लो। वो सच तो ये है कि नोबिता, नोबिता अभी तक घर नहीं आया। ओफो, ये बहुत परेशान करता है। पता नहीं नोबिता इस वक्त कहाँ होगा, वो हर बार ऐसा ही करता है। क्या वो यहाँ नहीं आया? नहीं, पता नहीं उसे दोपहर में क्या हुआ था, वो होमवर्क पूरा करने का मजाक कर रहा था। मजाक? लगता है वो इस सबको मजाक समझ रही है। नोबिता, मैं कहाँ हूँ, मेरा नाम क्या है? हे डॉगी, मुझे कहाँ जाना चाहिए बताओ? चलो भी अब बता दो ना, तुम कितने अच्छे हो। ऐसे क्या देख रहे हो, मुझे पहली बार देखा है क्या? मैं भी आता हूँ। अब रुको भी। अच्छा बच्चों, मैं अभी आपसे एक टेस्ट लेने वाला हूँ। आपने हमें टेस्ट के बारे में नहीं बताया था सर। हाँ सर, ये गलत बात है। तुम सब लोग एकदम चुप हो जाओ, समझे? अगर तुम सब लोग पढ़ाई करते हो तो एक मामूली टेस्ट से डरने की क्या जरूरत है? जियान, जियान अब इसे क्या हो गया? देखो जरा जियान कैसा लग रहा है। जियान, तुमने चश्मा क्यों लगाया है? मैंने ज्यादा पढ़ाई कर ली थी ना, इसलिए मुझे चश्मा लगाना पड़ गया। प्लीज इस पर ज्यादा ध्यान मत दो, टीचर हमारा टेस्ट ले लीजिए। जैसा कि जियान ने कहा, अगर तुम पढ़ाई करते हो तो तुम आसानी से टेस्ट ले सकते हो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। दुख की बात है कि टेस्ट में सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने 100% स्कोर किया है। हमें पता है वो देखी सुगी है। मैं भी बिल्कुल आपकी ही तरह सोच रहा था, मगर वो लड़का जियान है। आज का टेस्ट तो बहुत मुश्किल था, क्यों है ना शिजुका? हाँ तुमने सही कहा, किसी दूसरे को 100% नहीं मिले इसलिए चीटिंग नहीं की होगी, तो फिर ये सब हो क्या रहा है? अब तक मैंने अपनी एबिलिटीज को छुपा कर रखा था, लेकिन अब मैं हमेशा 100% स्कोर करूँगा। हाँ, क्या कॉन्फिडेंस है। ये तो बहुत अजीब है। डोरेमोन, मेरे पास एक शॉकिंग खबर है, सुनो। वाह, कोई बड़ी खबर है क्या? पता है जियान आज चश्मा पहन कर आया और अचानक से सबसे अच्छा स्टूडेंट बन गया। क्या कहा, चश्मा? चश्मे में क्या था बताओ? वो कोई मामूली चश्मा नहीं है नोबिता, वो मेरे आंसर ग्लासेस है जो गुम हो गए थे। प्लीज जरा सही से बताओ। पता है कल क्या हुआ नोबिता? मैं रेड बीन पेस्ट बन खरीद कर घर आ रहा था, तभी मुझे एक अजीब सी तितली दिखाई दी। मुझे नहीं पता था कि उसका नाम क्या है, इसलिए मैंने अपने आंसर ग्लासेस पहने और उसे देखा और सारी जानकारी चश्मे के लेंस के अंदर आ गई। तो ये पर्पल कॉपी किला है। यस, मुझे पता चल गया। और मुझे लगता है मैंने उसे वहीं गिरा दिया। इसका मतलब जियान ने उसे उठा लिया? हाँ शायद। मुझे लग रहा था जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे अभी वो चश्मा वापस लाना होगा। ये चश्मा तुम्हारा है, तुम्हारे पास क्या सबूत है? अब तुम दोनों यहाँ से घर जाओ। मैं कह रहा हूँ ना, ये मेरा ही चश्मा है जो मुझसे कहीं गुम हो गया था। अगर ये तुम्हारा है तो इसे प्रूव करो, समझे?
एक प्रूफ है जियान, तुमने वो चश्मा पहना और अचानक तुम्हें 100% मार्क्स मिल गए। मैंने टेस्ट के लिए बहुत पढ़ाई की थी, मेरी मेहनत की वजह से मुझे 100% मार्क्स मिले हैं, समझे? बिल्कुल नहीं। तो तुम मेरा चश्मा वापस नहीं दोगे? ये चश्मा मेरा है, पर फिर भी चलो मैं एक सौदा करने के लिए तैयार हूँ, क्यों, मंजूर है? कैसा सौदा? हाँ, मुझे तुम अपनी फोर्थ डायमेंशनल पॉकेट एक दिन के लिए दे दो। पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर घर जाओ। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। मैं डोरेमोन से पीछा कैसे छुड़ाऊँ? अरे एक चूहा! जब तक मेरे पास ये चश्मा है, मैं किसी का भी दिमाग पढ़ सकता हूँ। इन्हें वापस लेने के बारे में भूल जाओ, समझ गए ना नोबिता? क्या मेरा चश्मा पूरे शहर में जियान को ही मिलना जरूरी था? क्या कोई और बढ़िया तरीका नहीं है? अगर हम कुछ करने की कोशिश करेंगे भी तो चश्मा उसे पहले ही सब कुछ बता देगा। लगता है मुझे अपनी फोर्थ डायमेंशनल पॉकेट उसे एक दिन के लिए देनी ही पड़ेगी। मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर, मेरा गला है बहुत सुरीला। हे नोबिता! जियान, तुम मुझे देखकर भागने की कोशिश कर रहे थे ना? नहीं जियान, मैं नहीं कर रहा था। हाँ, तुमने की? नहीं, मैं तो मैराथन की तैयारी कर रहा था जियान। मेरे पास तुम्हारे लिए एक परफेक्ट चीज है। रनिंग ट्राउजर, गाइडेड मिसाइल। तुम क्या कर रहे हो जियान, मुझे छोड़ो। मेरे पैर, ये तो अपने आप ही दौड़ रही है जियान, ये क्या कर रहे हो? रनिंग ट्राउजर अपना कमाल अच्छे से दिखा रही है, अब होगी इसकी मैराथन की तैयारी। और अब ये नेक्स्ट है बिग लाइट। मैं डूब जाऊंगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। समुद्र अच्छा लग रहा है। मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर, मैं हूँ बड़ा सूरी। ये कोई गाने गाने का वक्त नहीं है, समझे जियान? मुझे बचाओ। मदद के लिए चिल्लाना बेकार है नोबिता, डोरेमोन पहले ही सजा भुगत चुका है, समझे? और अब बारी तुम्हारी है। बचाओ, 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 कोई तो मुझे बचाओ। बड़ा ही भयानक सपना था। अरे क्या हुआ नोबिता? डोरेमोन, अपनी फोर्थ डायमेंशनल पॉकेट जियान को नहीं देना, ठीक है? अगर तुमने ऐसा किया तो मैं, तुम समझ गए ना, ऐसा मत करना, ठीक है? मैं समझ गया, जियान ने ऐसा किया। हाँ, वो बहुत भयानक था, प्लीज उसे अपनी फोर्थ डायमेंशनल पॉकेट मत देना। ओह, तुम बिल्कुल चिंता मत करो नोबिता, मैं सपना देखकर डरने नहीं वाला हूँ। कुछ सोचने दो आइडिया। क्या कोई बढ़िया आइडिया है? सुनो, जब जियान सो रहा होगा तब हम वो चश्मा ले आएंगे। ये तो बहुत ही शानदार आइडिया है, चलो जल्दी से चलते हैं। रहा। मैं ये नकली चश्मा इसकी जगह पर रख देता हूँ। गुड मॉर्निंग जियान। वेरी गुड मॉर्निंग नोबिता। क्या आज के टेस्ट में भी 100% के चांस है जियान? हाँ हाँ, जरूर ऐसा ही होगा। अगर नहीं ला पाए तो फिर? ऐसा हो ही नहीं सकता, समझे? अगर ऐसा हो गया तो क्या करोगे? तुम क्या कहना चाहते हो नोबिता? क्या तुम बेट लगाओगे? अगर मुझे 100% नंबर नहीं मिले तो मैं सारी क्लासरूम की सफाई करूंगा, और अगर मुझे 100% नंबर मिल गए तो मैं तुम्हारी कॉमिक बुक्स और सुनियो की रिमोट वाली कार ले लूंगा। मैं तुम्हें अपनी रिमोट वाली कार नहीं दूंगा। चुप करो, ये बैट तुम सब लोगों के सामने लगी है, इसको निभाना पड़ेगा, समझ गए नोबिता?
अरे जियान को तो खुद पर बहुत ही कॉन्फिडेंस है। नोबिता, मैं उसे अपनी रिमोट वाली कार नहीं दूंगा। शांत हो जाओ, सच तो यही है कि जियान को 100% नहीं मिलेंगे। दोस्तों जरा पास आओ, बात कुछ ऐसी है। अच्छा, तो वो डोरेमोन का गैजेट इस्तेमाल कर रहा था। अब मैं समझ गया, जियान को नहीं पता कि वो गैजेट नकली है। देखो, अगर तुम रोजाना पढ़ाई करो तो प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। प्लीज शुरू करो। अरे, इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या होगा? मेरी आँख से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या बात है जियान, चुप हो जाओ, शांति से बैठो। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ नहीं आ रहा, मुझे कल तक सब आता था। ये नहीं हो सकता, मैं सच में बहुत बुद्धू हूँ। अरे नहीं जियान, क्या हुआ तुम्हें? मुझे आंसर क्यों नहीं आता? मैं बुद्धू हूँ, बुद्धू, बहुत बड़ा बुद्धू हूँ। कल वाला जियान कहाँ गया जो सब आता था? Because it